नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए सत्र के नए पाठ्यक्रम को कुछ जानते हुए हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के बारे में प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अपनी पहली कविता देखेंगे आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कक्षा 12वीं का ये प्रश्न पत्र प्रारूप उसे जानना जरूरी रहेगा, क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें हमारे प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। आप सभी साथी जो इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, उनसे आग्रह कि प्रश्न पत्र के संबंध में जो भी आपके मन में प्रश्न हो, आप उन्हें अवश्य ही टिप्पणी के रूप में लिखेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। उसके अतिरिक्त जो कविता हम पढ़ेंगे, उस कविता में भी जो प्रश्न आते हैं और उनका रूप क्या रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित विषय का प्रश्न पत्र प्रारूप एवं कविता आत्म परिचय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न पत्र प्रारूप की। CBSE का इस साल का जो प्रश्न पत्र प्रारूप है 2019-20 की तुलना में जो उसमें अंतर आए हैं, उसकी हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र में कुछ आसानी आपको होगी, क्योंकि अब तक जो प्रश्न पूछे जाते थे उनमें दो दो अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे, 5 और 1 प्रश्न पूछा जाता था 1 अंक का। लेकिन उसकी तुलना में इस बार बहुविकल्पी प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में पूछे जाएंगे, जो कि आपको उत्तर देने में सरलता और सहजता महसूस होगी, क्योंकि कक्षा 10वीं तक भी आप इसे देखते रहे हैं। हम कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो साथी अभी नए जुड़ रहे हैं उनकी बात हम करेंगे। जो साथी पूछ रहे हैं ग्रामर में, तो ग्रामर 10वीं कक्षा तक आप लोग पढ़ते हैं, 11वीं में ग्रामर आपके पास नहीं होती, यानी व्याकरण के प्रश्न लगभग नहीं पूछे जाएंगे। अब गद्यांश बोध से हमारा पहला प्रश्न शुरू होगा, जिसमें 1-1 अंक के 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें इस बार बहुविकल्पी प्रश्न भी जोड़े गए हैं। और शायद पाठ्यक्रम का सबसे सरल प्रश्न यही माना जाना चाहिए, जिसके लिए अधिक अंक आपको मिलने वाले हैं। उसी तरह अब पठित काव्यांश बोध के बारे में आपको फिर से लाभ मिलने जा रहा है। अब तक इसमें 1-1 अंक के 5 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसमें भी देखेंगे आपको हर प्रश्न के 4 उत्तर मिलेंगे, जिन उत्तर को देना आपके लिए सरल सहज होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो हम पूछेंगे रचनात्मक लेखन के बारे में। अब तक हम लोग 10वीं कक्षा तक या 11वीं में निबंध, अनुच्छेद ऐसा ही कुछ लेखन किया करते थे, लेकिन इस बार कक्षा 11वीं में जैसा कि आपने लिखा भी था, नए और अप्रत्याशित विषयों में किसी एक विषय पर रचनात्मक लेखन, 3 प्रश्न होंगे और उनमें से किसी एक पर आपको लगभग 150 शब्दों में 5 अंकों का यह प्रश्न पत्र हल करना होगा। चौथा प्रश्न समाचार पत्र में, जिस प्रकार आप संपादक के नाम पत्र लिखते हैं वैसे ही किसी कार्यालय में आप पत्र लिखते हैं, तो इसी तरह के 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना होगा। पांचवा प्रश्न भी आपके लिए सरल होने जा रहा है, क्योंकि अब तक जो प्रश्न हमारे थे उन प्रश्नों में हम लोग सामान्यतः 1-1 अंकों के जो 5 प्रश्न आते थे उसका उत्तर हमें लघुत्तरात्मक रूप में देना पड़ता था, लेकिन इस बार उसे अगर हम देखेंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आएंगे, तो आप बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये प्रश्न भी हमारे लिए सरल हो जाएगा, चूंकि चलिए मैं इसे थोड़ा और अधिक करीब ले जाता हूं ताकि आप उसे देख पाएं, क्योंकि हमारी शुरुआत है, हमारे पास संसाधनों की फिलहाल उपलब्धता उतनी नहीं है। घर में रहकर जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं आप थोड़ा गंभीरता से इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे, अन्यथा CBSE की साइट से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो को और अधिक क्लियर बनाया जाए।
और फिलहाल एक कविता जो हमें शुरू करनी है आत्म परिचय, उसकी ओर आते हैं। इस पाठ्यक्रम को हम पुनः फिर से देखेंगे, लेकिन काव्यांश से अगर हम शुरू करने जा रहे हैं तो हमारा जो काव्यांश से संबंधित प्रश्न होगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपकी कविताओं में से दो काव्यांश आएंगे और हर काव्यांश के नीचे दो दो अंक के तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 6 अंकों के ये प्रश्न रहेंगे। मैं पुस्तक का ही आपको प्रारूप दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप उसे सरलता से देख पाए। तो हमारे पाठ्यक्रम की ये पहली कविता आत्म परिचय की ओर हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कवि परिचय, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, इनकी कुछ कविताएं आप पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन मुख्यतः इनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वो है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सारी रचनाएं जो उन्होंने अपने जीवन में लिखी। ज्यादातर छायावाद के बाद के काल की उनकी कविताएं हैं, क्योंकि 1920 से 1936 तक का काल छायावाद का काल माना जाता है, और छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल की बात हम करते हैं। तो उन्हीं की पहली कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है, हम उसका जिक्र करेंगे, जिसका शीर्षक है आत्म परिचय। और यह कविता उनके काव्य खंड निशा निमंत्रण से लिया गया है, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि दुनिया में रहते हुए, दुनिया की रीतियों नीतियों का निर्वाह करते हुए, व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कभी कभी तटस्थ पाता है और कभी कभी द्वंद्व होता है कि हम अपने जीवन को संसार के हिसाब से जलाएं या अपने हिसाब से चलाएं। और ऐसी स्थितियों में उनकी जो कविता है, पहले मैं उसका वाचन करने जा रहा हूं, हम कविता की ओर आ रहे हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूखों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। दोस्तों, आपके कमेंट्स में मुझे पता चल रहा है कि वीडियो उतना साफ नहीं बन पा रहा है, क्योंकि रोशनी की व्यवस्था की समस्या है और जहां हम बैठे हैं वहां घर से हमें ये काम करना पड़ रहा है और हमें स्टूडियो जैसी व्यवस्था नहीं मिली है, लेकिन इस मजबूरी के बावजूद आप मेरी आवाज़ अगर सुन पा रहे हैं तो आप इस कविता को समझने की कोशिश कर सकते हैं।
आपके पास अगर अपनी पुस्तकें उपलब्ध हों तो आप उसमें आत्म परिचय कविता से शुरुआत कर सकते हैं, अन्यथा सीबीएसई की साइट पर जाकर या एनसीईआरटी की साइट पर जाकर आप ई बुक से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपकी जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उनका हम ध्यान रखेंगे, और सोमवार से हम उम्मीद करते हैं ये सारी कमियां, ये सारी खराबियां, ये तकनीकी गड़बड़ियां ठीक की जाएंगी। फिलहाल अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हम कविता की व्याख्या की ओर जाते हैं, क्योंकि व्याख्या समझने के बाद ही आप इसके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि इसमें दो दो अंक के तीन प्रश्न पूछे जाएंगे जो काव्यांश से संबंधित होंगे। उसके अतिरिक्त कविताओं की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो सारे प्रश्न आप तभी हल कर पाएंगे जब आप इसकी व्याख्या समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं कवि जयशंकर, कवि हरिवंश राय बच्चन की ये पहली कविता, जिसमें उन्होंने अपना जीवन परिचय दिया है, अपना आत्म परिचय दिया है, और देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। भार का अर्थ यहाँ जिम्मेवारियों से है, साथ ही साथ सामाजिक और हमारे आसपास के परिवेश में जो प्रतिबंध हमें झेलने पड़ते हैं। कभी कभी हम अपने मन की भावनाओं को सबके सामने व्यक्त नहीं कर पाते, उन्हें मन में ही दबाकर जीने के लिए मजबूर होते हैं। वैसे ही समाज की परंपराएं, समाज की रीतियां हम मानना नहीं चाहते, फिर भी हम मानते हैं तो भार लगती हैं। और कवि भी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं इस संसार में जो रीति नीति सिद्धांत हैं उनका भार लेकर जी रहा हूं। मैं हर काव्यांश का अलग अलग भाव बताने की कोशिश करूंगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। मैं इस संसार के लोगों की अपेक्षाओं का, जिम्मेवारियों का दबाव अपने मन पर महसूस करता हूं, जो भार के समान लगता है, उन्हें लेकर मैं जी रहा हूं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, और ये कवि की विशेषता है। सामान्यतः जीवन में जब दबाव आता है, भार आता है, तो हम लोग अपने प्रेम के भाव को भूलकर निराशा के भाव में डूब जाते हैं या परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन कवि ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो जीवन में प्रेम की भावना लेकर जी रहे हैं, और उसका उन्होंने कारण बताया है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। जिस प्रकार वीणा की तारों को झंकृत कर देने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें तारे हों, किसी सितार को, गिटार को, आप उसकी तारों को झंकृत करते हैं, हिलाते, तो उसमें संगीत उत्पन्न होता है। वैसे कवि का मानना है कि उनके जीवन को किसी ने अपने प्रेम भरी मधुर संस्पर्श की स्थिति से छू दिया, और उनकी सांसों के दो तार, अर्थात सांस लेना और सांस छोड़ना, ये तार अर्थात जीवन के हर पल में वो उसी मधुर संगीत को महसूस कर रहे हैं, उस प्रेम को महसूस कर रहे हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह अर्थात प्रेम, सुरा अर्थात मदिरा, पान अर्थात पीना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मदिरा का पान करता है वो उस नशे में खो जाता है, और कभी कभी अपने जीवन में कष्ट की स्थितियों में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका मदिरा पान उसके दिमाग को भी खराब कर देता है। लेकिन यहाँ कवि स्नेह की सुरा का पान करते हैं, अर्थात जब व्यक्ति शराब पीता है तो शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बकता चला जाता है, और जब प्रेम की मदिरा पी जाएगी तो बाहर भी क्या निकलेगा, प्रेम का भाव। और कवि प्रेम को ग्रहण करता है, प्रेम को ही संसार में बिखेरता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। और यहां कवि की एक और विशेष बात, क्योंकि सामान्यता कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि संसार में दुनिया से कुछ अलग सोचने वाले, कुछ अलग चिंतन करने वाले होते हैं, और कवि भी ऐसा ही मानते कि मैं कभी जग का ध्यान नहीं करता हूं, क्योंकि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार के लोग उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं का सम्मान करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जो जग का गीत गाते, अर्थात संसार के लोगों की मन की भावनाओं के अनुसार चलते हैं। लेकिन कवि मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं संसार के लोगों की भावनाओं को समझता हूं, उनके विचारों को जानता हूं, लेकिन अपनाने से पहले मंथन करता हूं और अपने मन का गीत गाया करता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार अर्थात भाव, उर हृदय, निज अपना। मैं अपने मन के भाव लिए फिरता हूं। मैं संसार के विचारों का बोझ अपने दिमाग नहीं लेता।
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और संसार को देने के लिए मेरी भेंट भी मेरे हृदय से निकली है। मैं अपने मन से निकले भावों को ही उपहार के रूप में संसार को सौंपने की कोशिश करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार अपूर्ण है, अधूरा है और मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कवि अपनी कल्पनाओं के संसार में जीता है। कवि के बारे में कहा जाता है कि कवि इस संसार में ब्रह्मा के समान है। जिस प्रकार ब्रह्मा इस संसार का सृजन कर चुके हैं, वैसे कवि भी अपने इस संसार का सृजन करता है, लेकिन उसे इस संसार में जो कमियां नजर आती हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। और इस स्थिति में कवि आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं अपने सपनों की नई दुनिया बसाकर जी रहा हूं, मेरी ये दुनिया संसार की अपूर्णता को पूर्ण कर देती है। कवि अपने आदर्शों से, कवि अपनी कल्पनाओं से इस संसार की कमियों को, बुराइयों को दूर करता है, एक नए आदर्श समाज की स्थापना करने की कोशिश करता है। आप साथियों से पुनः आग्रह, आपकी प्रशंसा के लिए आपका आभार। जो प्रश्न आपके मन में हो आप प्रतिक्रिया के रूप में, टिप्पणी के रूप में आप इसे पूछ सकते हैं और उनके उत्तर आपको जल्द ही मिलेंगे। फिलहाल हम इस कविता के अगले अंश की ओर आते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, जिसके मन में आग लगी हो, जिसके मन में कष्ट आ गया हो, उस अग्नि में जब व्यक्ति जलता है तो उसे लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ भस्म हो गया। और यहाँ कवि का मानना है कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, मैं अपने मन में एक आग जलाता हूँ। आग के द्वार हो सकते हैं, एक तो सामान्यतः आग जो सब कुछ जला के राख कर देती है, एक आग जोश की, उत्साह की, जो संसार को बदल देना चाहती है। और कवि इस संसार को बदलने की कामना करता है, इसी कारण वो क्या कह रहे हैं देखिए, सुख दुख दोनों मग्न रहा करता हूँ। संसार के सामान्य व्यक्ति दुख आने पर झल्ला उठते हैं, निराशा में डूब जाते हैं, सुख आने पर अभिमान में खो जाते हैं, लेकिन कवि समदर्शी भाव रखते हैं। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो दोनों स्थितियों में ही मग्न रहा करते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग अर्थात संसार के लोग, भव सागर संसार रूपी सागर, ये प्राचीन काल से हमारे यहाँ परंपरा रही कि संसार को सागर के समान माना जाता है। बहुत से भक्तिकालीन कवि भी इस सागर से अपनी नाव को पार उतारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे हैं। और संसार के लोग जो सांसारिक मोह माया में उलझे हैं, वो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो नाव बनाते हैं, धन की, यश की, वैभव की, ऐश्वर्य की, और उसी को बनाकर संसार से पार जाना चाहते हैं, लेकिन कवि ऐसा नहीं सोचते। वो संसार की इन लहरों पर ही, अर्थात सुख आए चाहे दुख आए, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वो मस्ती में बहा करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्माद अर्थात मस्ती, उत्साह, यौवन कहते जवानी, दीवानी और मस्तानी होती है। और कवि उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, वो अपने जीवन की उस मस्ती को, जीवन के उस आनंद को, जीवन के उस यौवन काल के उत्साह को जी रहा है और साथ एक कष्ट भी ले रहा है। उन मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, साथ दुख, कि उसके जीवन की इस मस्ती में एक दुख भी छिपा है जो सबके सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि संसार के लोगों ने देखते हैं एक ऊंचे पद पर पूरी प्रतिष्ठा के साथ अलग अलग काव्य मंचों पर जब वो कविताओं का पाठ करते थे तो लोग उनकी प्रशंसा में, उनकी तारीफ में पता नहीं क्या क्या सोचा करते थे, लेकिन कवि के मन की पीड़ा सबको दिखाई नहीं देती थी। और कवि यहाँ बताना चाहते हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि मैं अपने दिल में एक गम, एक छिपा हुआ दर्द लेकर जी रहा हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ये एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। कवि किसी की याद लेकर फिर रहे हैं, तो आप अगर उनके जीवन को जानते हो, उनके जीवन में एक दुखद घटना हुई थी कि उनकी पत्नी, उनकी पहली पत्नी श्यामा का निधन हो गया था। उस निधन में उनकी जो दर्द भरी यादें थी, उन यादों ने उन्हें अक्सर तड़पाया था। जीवन के अगले पड़ाव में उन्होंने पुनर्विवाह किया, लेकिन उसके बावजूद उनका पुनर्विवाह आप लोग जानते होंगे तेजी बच्चन के साथ हुआ, लेकिन पहली पत्नी का जो प्रेम था, पहली पत्नी की जो यादें थी, वो उन्हें भुला नहीं पाए। उन्होंने सहज भाव से उस प्रेम को स्वीकार किया कि मैं यादों को लेकर जी रहा हूं, वो यादें मुझे अक्सर रुलाती हैं। और अगला काव्यांश जो हम पढ़ने जा रहे हैं
आप देखिए उसमें संसार की रीति नीति के बारे में कवि ने प्रकाश डाला है कि संसार के लोग क्या सोचते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ और प्रश्न अलंकार भी है। कर यत्न, यत्न कोशिश प्रयास, कि संसार के लोग अनंत काल से कोशिश कर रहे हैं कि वो संसार को जान पाए, सत्य को जान पाए। सत्य का अर्थ यहाँ शाश्वत से है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है और जो शिव है वो सुंदर है। यानी शिव आप देखते हैं भभूत से उनका शरीर भरा रहता है, जटाएं लंबी लंबी फैली हैं, गले में सांप है। ये दृश्य अगर सामान्य कोई व्यक्ति लेकर हमारे सामने आ जाए तो हम भयभीत हो जाएंगे, लेकिन वो कल्याणकारी हो, शिव हो, तो वो सत्य हो जाता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की उसी भावना को ईश्वर के रूप में हम जानते हैं कि सत्य किसी ने जाना नहीं है, ईश्वर को लोग जान नहीं पा रहे हैं और कोशिश सदियों से लगी हुई है। और ऐसी स्थिति में नादान वही है हाय जहां पर दाना, नादान अज्ञानी, दाना ज्ञानी। कि संसार बड़ा अद्भुत है, संसार के लोग जब जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, यानी संसार ज्ञान से भरा है, लेकिन ज्ञान में अज्ञानता भी छिपी है कि अपने को विद्वान मानकर अभिमानी हो जाना। क्योंकि सच्चा ज्ञान इस संसार का ज्ञान भौतिक ज्ञान है और कवि को लगता है कि जो वास्तविक ज्ञान है उसे लोग जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। दुनिया में जो अपने को ज्ञानी अभिमानी मान लेते हैं वो कवि के दृष्टिकोण से नादान भी है। या दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि संसार में जहां एक ओर ज्ञानी लोग हैं, विद्वान भी हैं, सत्य को जानने वाले हैं, वहां अज्ञानी लोग भी हैं, नादान भी हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि संसार नश्वर है, अनंत काल से हम लोग जानते रहे हैं हमारी पौराणिक गाथाओं से। गीता का संदेश भी कहता है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम संसार के लोग इस बात को जानने के बावजूद इसे मानने को तैयार नहीं है। मानते हैं कि दुनिया में सब मरेंगे लेकिन हम जीवित रहेंगे। सबके साथ ये हो सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन संसार नश्वर है। और कवि इसी बात को बताना चाहते कि मैंने भी क्या किया, गलती से इस ज्ञान को सीख लिया और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कि जो ज्ञान गलती से मैंने सीख लिया अब मैं उसे भुला देना चाहता हूं, क्योंकि इस ज्ञान को सीखने से मैं अपने जीवन को दुख और पीड़ा से भरा हुआ पा रहा हूं। मैं संसार की रीति नीति से वो ही संग्रह करने की भावना से भरता चला गया। मैंने इस संसार में जो सीख लिया अब उसे भुला देना चाहता हूं ताकि मैं अपने तरीके से ज्ञान को प्राप्त करूं। मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ 3 बार और का प्रयोग किया गया, यहाँ यमक अलंकार भी है। एक और का अर्थ है मैं कुछ और सोचता हूँ, मेरी सोच। पहले और का अर्थ क्या है, मेरी जीवन शैली, मेरा जीवन जीने का तरीका। दूसरा और क्या है, योजक चिन्ह, जिसे हम एवं तथा के रूप में भी ले सकते हैं, कि मैं कुछ और हूं एवं जग कुछ और है। क्योंकि मेरी सोच कुछ और है, संसार की सोच कुछ और है, कहाँ का नाता, दोनों में कैसा संबंध। दोनों में संबंध जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरी सोच संसार में संग्रह करने की नहीं और संसार की और सोच संग्रह करने की है। मैं सोचता हूं कि सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में समान बने रहो, लेकिन संसार सिर्फ सुख की कामना करता, दुख आने पर बिखर जाता है। अतः मेरा उससे कोई संबंध जुड़ नहीं सकता क्योंकि संसार मुझे अपने तरीके से चलाता है और मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश करता हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कभी अपनी कल्पनाओं के नए संसार का निर्माण करता है और हर दिन नए संसार बनाता है और मिटाता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव सुख सुविधाएं संपन्नता। कि संसार के लोग जिस जीवन में सुख और वैभव का भंडार जमा करते हैं वो सारी भौतिक चीजें कवि को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं हर कदम पर उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता हूँ। अर्थात सुख सुविधाओं के संग्रह का लालच मेरे मन में नहीं है और ऐसी स्थिति में मैं अपने जीवन में उन चीजों को हासिल करना चाहता हूं जो मेरे मन को मेरी आत्मा को तृप्त करती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, राग अर्थात गीत, रोदन रोना, कि मैं रोता हूं उसमें भी मुझे एक गीत नजर आता है। क्योंकि मैं अपने मन की पीड़ा को जिस मार्मिक
शब्दावली में व्यक्त करता हूं उसमें लोग उसे गीत मान लेते हैं, लेकिन मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। जिस प्रकार आग सबको जलाकर भस्म और राख कर देती है, उसी प्रकार कवि भी देखेंगे शीतल वाणी में थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई देगा। आग जोश उत्साह ऊर्जा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन यहाँ कवि की वाणी शीतल है, अर्थात वो अपनी मधुर वाणी से ही लोगों के मन को बदलने की कोशिश करता है। वो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, निछावर त्याग देना, प्रासाद महल, भूप राजा, कि राजाओं के बड़े बड़े महलों का भी मुझे मोह नहीं है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कि मैं टूटी फूटी इमारत, खंडहर, जैसे अगर आपको जीवन में दो अलग अलग चीजों के बारे में कहा जाए कि आप किसी एक का चयन करें, किसी बड़े महल का या किसी खंडहर का, टूटी फूटी इमारत का, तो सामान्यतः हम महलों की ओर जाएंगे। वैसे कवि का मानना है कि जीवन में जो सुख है वो उसके दुखों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो दुखों से प्रेम करने लगा है, वो अतीत की यादें, अपनी प्रेयसी के साथ, अपने प्रिय पात्र के साथ बिताया हुआ समय, उन यादों के खंडहर को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देता है बजाय संसार के वर्तमान के सुख वैभव के भंडार को। वो अतीत की यादों के लिए वर्तमान के सुख साधनों को भी छोड़ने के लिए तैयार है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, अपने दुख को व्यक्त किया, लेकिन संसार के लोग उसे गीत मानते हैं। मैं फूट पड़ा, अर्थात मार्मिक अभिव्यक्ति, कि मैंने अपने मन की पीड़ा को प्रकट किया और संसार के लोगों ने उसे छंद अर्थात गीत का नाम दे दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि संसार के लोग मुझे कवि मानते हैं, लेकिन मैं कवि के रूप में अपनी पहचान बनाने नहीं आया हूं, क्योंकि कवि और उसकी कविताएं संसार के लोगों को प्रभावित करती हैं। जो प्रभावित हो जाता है वो कवि को श्रेष्ठ मानता है, जो प्रभावित नहीं आता होता वो कवि को अपनाने को तैयार नहीं होता है। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, दीवाना अर्थात प्रेमी, मैं तो सच्चा प्रेमी हूं, वैसा प्रेमी जो संसार से प्रेम करता है, प्रेम पाना चाहता, प्रेम देना चाहता है, जैसे मीरा प्रेम दीवानी हो गई, वैसे कवि भी प्रेम दीवाना होकर अपनी प्रेयसी को उस प्रेम को महत्व देते हुए जीना चाहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, वो इसी प्रेमी का वेश लेकर इस संसार में जीता है, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय पात्र के अतिरिक्त किसी को महत्व नहीं देता, वैसे कवि भी अपने जीवन में अपनी प्रेयसी की यादों को, अपने जीवन की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मादकता अर्थात मस्ती, मैं अपने जीवन में केवल और केवल उसी मस्ती को लेकर जीता हूँ, अर्थात वो प्रेम भरी यादों में अतीत की गलियों में सुख पाता है, उन्हीं सुखों में वो अपने को विचरण करने के लिए तैयार रखता है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश दिए फिरता हूँ, और कभी उसी मस्ती के संदेश को संसार के सामने अर्पित करना चाहता है, जिसे सुनकर पूरा जग झूम उठे, उसकी भावनाओं के सामने झुक जाए और मस्ती में लहराने लगे। इसमें श्रृंगार रस की बात हम कर सकते हैं, शांत रस की बात हो सकती है, करुण रस की बात हो सकती है, हम काव्य संग्रह के अंतर्गत उन बातों को फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके जो प्रश्न यहाँ आ रहे हैं हम उसी से संबंधित बात अब करने जा रहे हैं, क्योंकि कविताओं से संबंधित एक प्रश्न आता है काव्य सौंदर्य का, और काव्य सौंदर्य के उस प्रश्न में एक काव्यांश की दो पंक्तियां या चार पंक्तियां होंगी और आपसे उसका भाव शिल्प, भाव और शिल्प संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। भाव सौंदर्य में उसकी भावनाओं की बात, विचारों की बात हम करते हैं, उस तथ्य की बात करते हैं, और शिल्प सौंदर्य में हम उसके भाषा, शैली, रस, गुण, अलंकार, शब्द शक्ति आदि की चर्चा करते हैं। तो यहाँ शांत रस की बात हम कर सकते हैं, करुण रस की बात कर सकते हैं, उसके प्रेम का वियोग पक्ष भी यहाँ प्रकट हो रहा है, तो आप उसमें श्रृंगार रस का वियोग पक्ष भी आप इसमें देख सकते हैं। तो 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की ये पहली कविता आत्म परिचय, क्योंकि आज ये पहला दिन था और हम लोग फिर वही बात दोहरानी पड़ेगी, सुविधाओं के अभाव के बावजूद केंद्रीय दलित संगठन की ये पहल, ताकि वो विद्यार्थी जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
उनके लिए कुछ उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि हम जानते हैं हम शत प्रतिशत प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे प्रयासों का परिणाम हो सकता है आंशिक ही क्यों ना हो। लेकिन हम लोग जो इस विपदा के समय, इस महामारी के समय अपने जीवन में, अपने घरों में कैद हो गए हैं, वहाँ भी अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये समय नकारात्मक विचारों से उबरने का है। ये स्थितियाँ आंशिक रूप में हमें प्रभावित कर सकती हैं लेकिन एक बड़ा जीवन इसके पास शेष है, उसकी तैयारी के लिए हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा। कुछ सप्ताह में ये स्थितियाँ बदल जाएंगी, हालात बदल जाने के बाद हमें अपने पाठ्यक्रम को पुनः पढ़ने में कुछ आसानी होगी। उस समय विद्यालय में शायद उतना समय ना मिल पाए तो हमें कुछ तेज गति से पढ़ना पड़ेगा, तो हमें सारी चीज़ें मदद करेंगी। तो आपने बड़ी शांति से इस काव्य पाठ को सुना, कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। आपके जो भी प्रश्न आएंगे हम उन्हें फिर से लेंगे। सोमवार एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी रोशनी के साथ आपसे मुलाकात का वादा। नमस्कार। साथियों, आपने आज के इस लाइव वीडियो को देखते हुए जो प्रश्न पूछे हैं हम उनकी तैयारी के लिए कुछ समय लेंगे, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो हम इन हालात से अवश्य ही उबर जाएंगे और अपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरा करेंगे। और सिर्फ किताबी ज्ञान की बजाय हम इन स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए, अपने विश्लेषण क्षमता के साथ, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए साहित्य का वास्तविक अध्ययन करने का ये समय हमें मिला है। तो आप सबको अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए धन्यवाद।